कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री, परामर्श निःशुल्क। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी लगातार नए मरीज सामने आ रहे हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को नाइट कर्फ्यू लगाने एडवाइजरी जारी की गई थी। प्रदेश में भी आज कोरोना के 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को संबोधित करते हुए प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाए जाने की जानकारी दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि सभी लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने प्रदेशवासियों से मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और वैक्सीनेशन करवाने की भी अपील की है। प्रदेश में हालांकि अभी नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का कोई भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन कोरोना के मरीज लगातार मिलने के बाद एहतियाती कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। और क्या कहा अपने संबोधन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आइए आपको सुनाते हैं। इसके साथ ही हमने पहले ही तय कर दिया था कि स्कूल में जो हमारे बच्चे हैं वो 50% की संख्या में ही जाएंगे, ताकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनी रह सके। हम आज एक फैसला और कर रहे हैं कि रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लगा रहे। प्रिय बहनों और भाइयों, बेटे और बेटियों, मध्य प्रदेश में आज कई महीनों बाद कोविड के 30 नए प्रकरण मिले हैं। कल अपने पूरे देश में भी 7495 पॉजिटिव प्रकरण पूरे देश में आए हैं। और एक बात जो मन में चिंता पैदा करती है, महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली तीनों राज्यों में पिछले एक सप्ताह से पॉजिटिव केसों में लगातार वृद्धि हो रही है, लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल महाराष्ट्र में 1201, गुजरात में 91 और दिल्ली में 125 प्रकरण आए हैं। हम सब जानते हैं इन राज्यों से मध्य प्रदेश में आना जाना लगातार बना रहता है, और पूर्व के अनुभव भी हमें ये बताते हैं कि पिछली बार भी महाराष्ट्र में पॉजिटिव केस बढ़ना शुरू हुए, गुजरात में बढ़े, उसके बाद मध्य प्रदेश में लगातार पहली हो या बाद में दूसरी लहर आई। और दूसरी लहर में जो कष्ट हमने भुगते हैं वो हम कभी भूल नहीं सकते। अगर पुरानी दोनों लहरों को भी देखा जाए, पहली हो या दूसरी हो, प्रारंभ इंदौर भोपाल से ही हुई। और अभी इंदौर तथा भोपाल में प्रकरण बढ़ के लगभग साप्ताहिक प्रकरण नवंबर महीने की तुलना में दिसंबर में 3 गुने हो गए हैं। कोरोना ने अपना स्वरूप बदला है और नया स्वरूप ओमिक्रॉन के रूप में देश के 16 राज्यों में आ चुका है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि मध्य प्रदेश में भी ओमिक्रॉन वायरस के केस
मध्य प्रदेश में जल्दी आ जाएं। यदि हम पूरी दुनिया का भी अध्ययन करें और पूरी दुनिया का अनुभव देखें तो ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैलता है। इंग्लैंड में 1,00,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, अमेरिका में भी लगभग 2,50,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, यूरोप में भी ओमिक्रॉन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और उपरोक्त सभी कारणों को देखते हुए मुझे अंतर आत्मा से लगता है कि ये सही समय है जब हम सचेत हो जाएं, कोविड की तीसरी लहर को आने से रोकें